नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सलोनी। चलिए रुक करते हैं समाचार की ओर। नाथद्वारा विधानसभा में आपका ग्राम पंचायत एवं वार्ड संपर्क अभियान या कांग्रेस बीजेपी छोड़ 50 से अधिक लोगों ने आपकी सदस्यता ली। राज समदा आम आदमी पार्टी नाथद्वारा विधानसभा में ग्राम पंचायत एवं वार्ड संपर्क अभियान के तहत देलवाड़ा पंचायत समिति के वार्ड में डोर टू डोर जनसंपर्क किया। देलवाड़ा के मुख्य बस स्टैंड पर साधारण मीटिंग हुई। दिल्ली पंजाब के कार्य से प्रभावित होकर पूनम चंद्र, अली, दिनेश, देवीलाल, विकास, शंभूलाल आदि 50 से अधिक कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस बीजेपी छोड़ आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली। दिलीप अग्रवाल ने कहा, आपका परिवार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से जाति और धर्म की राजनीति को नकार कर जनता ने काम की राजनीति और अरविंद केजरीवाल की गुड गवर्नेंस मॉडल को चुना है, उसी प्रकार से राजस्थान की जनता भी चाहती है कि राजस्थान में भी दिल्ली के मुताबिक अच्छे स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और 24 घंटे बिजली का प्रबंध हो। नाथद्वारा के आप नेता पप्पू लाल कीर ने कहा, गौ माता में फैले लंपी रोग के कारण प्रतिदिन हजारों गायों की मृत्यु हो रही है, जबकि राज्य सरकार कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा एवं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में व्यस्त है। नाथद्वारा विधानसभा की ज्यादातर स्कूल की स्थिति बहुत खराब है, कहीं शिक्षक की कमी है तो कहीं स्कूल की बिल्डिंग टूटी हुई है। ग्राम पंचायत सिसोदा के राजकीय माध्यमिक विद्यालय सतलेवा के राजकीय स्कूल में लगभग 300 बच्चे हैं, लेकिन एक स्थायी टीचर है। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजस्थान में एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी ने राज किया, लेकिन जनता के लिए कोई काम नहीं हुआ। इस दौरान दिलीप अग्रवाल, कपिल जैन, श्रीमती कांता जैन, विद्या प्रजापत, केसर सेन, चंदन सिंह, पूनम चंद्र आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे।